तो कुछ ही देर में पीएम मोदी फिर से लाइव संबोधन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 5 अक्टूबर को उनके बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी होने के बाद पीएम मोदी ने फिर से एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि किसानों को फिर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि किसानों के बैंक खाते में जारी करेंगे और कुछ ही देर में पीएम मोदी लाइव संबोधन होने वाला है इसी चैनल के माध्यम से। इसी वीडियो में हम पीएम मोदी का लाइव संबोधन दिखाने वाले हैं जिसमें पीएम मोदी फिर से किसानों के बैंक खाते में 4,000 रुपए की किस्त जारी करेंगे, साथ में खाद के लिए 5,000 रुपए अलग से जारी करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि किसानों को 18वीं किस्त भेजने के 2,000 रुपए की भेजने के बाद फिर से किसानों के बैंक खाते में 4,000 रुपए की एक और किस्त जारी की जाएगी और साथ में खाद के लिए 5,000 रुपए अलग से जारी किए जाएंगे। और वो दिन आ चुका है, पीएम मोदी कुछ ही देर बाद जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के बैंक खाते में 4,000 रुपए की एक और किस्त जारी करेंगे और खाद के लिए 5,000। जिन जिन किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पहले तो 2,000 रुपए की 18वीं किस्त मिली थी, लेकिन अब जो है 4,000 रुपए फिर से किसानों को मिला है। जिन जिन किसानों के बैंक खाते में ये राशि आई है वो किसान लाइव संबोधन करेंगे। पहले उनका इंटरव्यू सुनाते हैं, उसके बाद पीएम मोदी का लाइव संबोधन भी सुनाएंगे। थोड़ी देर बाद पीएम मोदी लाइव संबोधन होने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले किसानों ने के खाते में, जिन किसानों के खाते में ये राशि आई है उनका इंटरव्यू सुनिए। मोदी सरकार पहले किसान को 2,000 रुपया देते थे और अभी 4,000 रुपया देते हैं। किसान हूँ, पहले 2,000 देता था मोदी, अभी 4,000 मिलता है। ये सब खेती जितने जमीन है सब हम करते हैं, हमारा जमीन है। पहले हमको 2,000 देते थे मोदी, अभी हमको 4,000। कि आपने सुना कि मोदी सरकार पहले किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए ही भेज रही थी, यानी अब तक जो है 18वीं किस्त तक है वो सिर्फ 2,000 रुपए ही आ रहे थे, लेकिन अब मेरे खाते में 4,000 रुपए आया है। मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। एक किसान ने कहा है कि मैं किसान हूं, मैं खेती करता हूं, मेरे खाते में पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सिर्फ 2,000 रुपए आ रहे थे, यानी की जो कि 2,000 रुपए का ही मिला था, लेकिन अब जो है मेरे खाते में 4,000 रुपए मिला है। तो अब कुछ ही देर बाद पीएम मोदी भी लाइव संबोधन होने वाला है, तो अगर आपके खाते में ये 4,000 रुपए नहीं आई है तो उसके लिए पीएम मोदी क्या कहेंगे वो भी हम आपको सुनाने वाले हैं, और कैसे मिलेगा लाभ पूरी जानकारी पीएम मोदी के मुंह से ही सुनाएंगे। कितना दिन में आपको राशि मिलेगा और कुछ ही देर बाद मिलेगा या 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद, कैसे मिलेगा, किन किसानों को मिलेगा, किन किसानों को नहीं मिलेगा, सारी जानकारी जो है पीएम मोदी के लाइव संवाद में हम आपको सुनाने वाले हैं। अगर आप किसान हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो मोदी सरकार फिर से आपके बैंक खाते में 4,000 रुपए जारी करेगी। 17वीं किस्त 2,000 रुपए की भेजने के बाद फिर से किसानों के बैंक खाते में 4,000 रुपए की एक और किस्त भेजने वाली है पीएम मोदी और खाद के लिए 5,000 रुपए की राशि अलग से भेजे जाएंगे। पहले पूरा माजरा समझिए कि आखिर पीएम मोदी 2,000 रुपए की 17वीं किस्त भेजने के बाद फिर से क्यों एक और किस्त जो कि 4,000 रुपए की भेज रही है और खाद के लिए 5,000 रुपए की राशि अलग से क्यों भेजा जा रहा है, पहले इसको समझाते हैं। उसके बाद हम थोड़ी देर में पीएम मोदी का लाइव संबोधन भी सुनाएंगे। इसी वीडियो में आपको पीएम मोदी का लाइव संबोधन सुनाएंगे, पहले पूरा माजरा समझाते हैं। देखिए, पहले जो है जैसा कि आपको पता होगा कि पीएम मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन जब पीएम मोदी का रैली चल रहा था उस टाइम राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि हम महिलाओं के बैंक खाते में 8,500 रुपया देंगे महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत, सुना था ना। उसके बाद राहुल गांधी ने एक और बड़ा ऐलान किया था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि हम बढ़ाएंगे, यानी अगर हमारी सरकार बनती है तो किसानों को हर महीना 5,000 रुपया देंगे। मोदी सरकार तो 4 महीने पर 2,000 रुपया देती है ना, मेरी सरकार बनेगी तो 5,000 रुपए प्रति महीना देंगे। तो उसी में जो है पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि अगर मेरा सरकार बनता है तो हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ तो दे ही रहे हैं, लेकिन अब जो है किसानों के बैंक खाते में 4,000 रुपए अलग से देंगे और खाद के लिए 5,000 रुपए अलग से जारी करेंगे। तो ये दो बड़े ऐलान जो कि पीएम मोदी ने कहा था और क्लियरली बोला था कि ये मोदी की गारंटी है, तो मोदी की गारंटी में जो है ये बड़ा ऐलान किया गया था और उसके बाद से ही पीएम मोदी जो अपने वादे को पूरा करने जा रहे हैं और फिर से किसानों के बैंक खाते में 4,000 रुपए की किस्त और खाद के लिए 5,000 रुपए अलग से भेजेंगे, जो कि किसानों के लिए ये बहुत ही ज्यादा हित के लिए फायदेमंद होने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा कि 2024 में
अब तक का सबसे ज्यादा फसल बर्बाद हुआ है किसानों का, पिछले 2000 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। इसलिए जो है पीएम मोदी इस बार बहुत ज्यादा सीरियस है और किसी भी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहती है, इसीलिए किसानों के हित में सबसे ज्यादा फायदेमंद जो है देख रही है। जब पीएम मोदी बने थे, जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, तो सबसे पहला साइन किया गया था वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का किया गया था, क्योंकि इस बार किसानों के लिए वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है, किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 17वीं किस्त 2000 रुपए भेजने के बाद 4000 रुपए फिर से भेजे हैं। चलिए पीएम मोदी का लाइव संवाधन होने वाला लाइव टेलीकास्ट जुड़ चुके हैं, चलिए सुनाते हैं, उसके बाद आगे की पूरी प्रोसेस प्रक्रिया आपको बताएंगे। सुनिए क्या बोलते हैं। 21 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं, बाकी किसानों को भी अगले कुछ हफ्तों में भी मिल जाएंगे और देश में करीब करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में जमा होगी। भाई और बहनों, और मैं आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है। मैं किसान हूं, मैं खेती करता हूं, पिछले 20 सालों से मैं खेती करते आ रहा हूं और मुझे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल चुका है, मिल रहा है। और पिछले बार 5 अक्टूबर को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2000 रुपए की 18वीं किस्त मेरे खाते में आ गई है। आज मेरे खाते में जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 4000 रुपए फिर से आए हैं, जो कि पीएम मोदी ने जो घोषणा किया था, जो वादे किए थे, वो पूरे किए हैं। और खाद के लिए 5000 रुपए अलग से अभी मिलने वाला है, जो कि कि आपने देखा कि पीएम मोदी ने कहा है कि जो 21000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो भेजी जा चुकी है, पीएम मोदी ने किसानों के बैंक खाते में भेज दिया है 4000 रुपए की किस्त और खाद के लिए 5000 रुपए। और पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में या फिर कुछ हफ्तों में यह राशि आपके बैंक खाते में जारी हो जाएंगे, यानी कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके खाते में तो यह राशि जारी हो चुकी है, और जैसे कि जिन किसानों के बैंक खाते में यह राशि जारी हो चुकी है और वो किसान मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनको तो काफी खुशी होगा, उनको घबराने की कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जिन किसानों के बैंक खाते में यह राशि अभी तक नहीं गया होगा, उन किसानों को मेरी बात शायद गलत लग सकता है, झूठ लग सकता है। तो यहां पे पीएम मोदी का लाइव संबोधन भी सुनाया है, किसानों ने भी कहा है कि मेरे खाते में खाद के लिए 5000 रुपया और 4000 रुपए की एक और किस्त जारी हुई है। अगर आपने यह संबोधन नहीं सुना है तो मेरा वीडियो रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी मिलेगी। फिर से किसानों के बैंक खाते 4000 रुपए मिला है 17वीं किस्त भेजने के बाद।